हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीओ हजारीबाग में। मैं लेकर आया हूँ हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 के DSE 1 का क्वेश्चन, जो सेशन 2016 से 19 में आया था। इसमें तीन ग्रुप में क्वेश्चन दिए होते हैं और तीनों ग्रुप के क्वेश्चन को निर्देशानुसार हल करते हैं। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ग्रुप ए का पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के भेदों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार है, सिद्ध कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, मृतक भोज कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखें। चौथा क्वेश्चन है, सनवदिया कहानी की विशेषता का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, क्लेम कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें हमें 2 क्वेश्चनों का उत्तर देने होते हैं। छठा क्वेश्चन है, अस्पाल का साहित्यिक परिचय लिखें। सातवां क्वेश्चन है, कहानी में कथा वस्तु एवं पात्र का महत्व सिद्ध कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, रेणु का साहित्यिक परिचय लिखें। नौवां क्वेश्चन है, राधे का चरित्र चित्रण कीजिए। ग्रुप सी का क्वेश्चन अनिवार्य है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको संक्षिप्त में उत्तर देना होता है। 10 का क्वेश्चन है, बंग महिला का वास्तविक नाम लिखें। खा, गोदान के रचनाकार का नाम लिखें। गा, आंचलिक कथाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, रेणु या मोहन राकेश। घा, सेठ रामनाथ किस कहानी का पात्र है। अंगा, सुशील किनकी पत्नी थी। चा, रिटायरमेंट की कथा किस कहानी से जुड़ी है। छा, मंदिर में प्रवेश की चर्चा किस कहानी में है। जा, हर गोविंद किस कहानी का पात्र है। झा, कुंज बिहारी जमादार किस कहानी का पात्र है। या, दुलाई वाली किनकी रचना है।